चुनाव में मुद्दा होना चाहिए शिक्षा, रोजगार, महंगाई, ये सिर्फ मुद्दा होना चाहिए। अब इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा तो राम मंदिर, राम मंदिर से पब्लिक को क्या लेना? पब्लिक को खाने के लिए रोटी चाहिए, पैसा चाहिए जेब में, शिक्षा, अच्छी शिक्षा फ्री कर दो आप, शिक्षा बिल्कुल फ्री कर दो, हमारे देश के बच्चे पढ़ेंगे, आगे जाके अपने आप रोजगार ढूंढ लेंगे। राम मंदिर से कौन सी रोटी आएगी? राम मंदिर से रोटी नहीं आती, रोटी खेत में हल चलाने से आती है, गेहूं पैदा करना पड़ता है, किसान की हालत जाके देखो, रात को ठंड में पानी लगाना पड़ता है। राम मंदिर का क्या है? पूजा ही तो करनी है, पूजा मैं अपने घर में बैठ के कर लूंगा आराम से, मुझे मंदिर जाने की क्या जरूरत है? सर, विपक्ष ने आने को मना कर दिया, लगभग सभी विपक्ष ने, उन्होंने कहा कि हम नहीं आएंगे, तो क्या विपक्ष इस पॉलिटिक्स के, जो ये पॉलिटिक्स वास्ट पॉलिटिक्स है, चूक रहा है? नहीं, मैं विपक्ष की आपको बता दूँ, विपक्ष इससे पार्लियामेंट से खत्म हो चुका है आज। विपक्ष के पीछे ईडी और सीबीआई लगा रखी है, विपक्ष का जीना हराम कर रखा है, और आज ये राम मंदिर के उद्घाटन के लिए विपक्ष को नोटा दे रहे हैं। क्यों भाई? भाई अगर विपक्ष को प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए जाना होगा तो वो तो कभी भी जा सकते हैं। इनके इनके इनविटेशन की, इनके न्योते की जरूरत नहीं है विपक्ष को, कभी भी जाओ। अब 22 तारीख के बाद में, 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, उसके बाद में मंदिर में कभी भी कोई भी किसी वक्त भी जा सकता है। हम भी 22 जनवरी के बाद ही जाएंगे राम मंदिर के में, वो उसके लिए दर्शन करने के लिए भगवान श्री राम के, 22 के बाद में ही जाएंगे हम भी, और विपक्ष भी 22 के बाद में जाएगा। मोदी जी उद्घाटन करने नहीं जा रहे, वो राजनीति करने के लिए जा रहे हैं, उद्घाटन करने के। विपक्ष के पास भी मौका था, बढ़िया जाते वहाँ पर भुनाते लोगों की कोई आस्था होती, यानी कहीं उनको भी वोट मिलता। विपक्ष के पास में आज भी मौका है, विपक्ष बाद में भी जा सकता है, विपक्ष को राजनीति की नहीं पड़ी है। अभी आपने देखा होगा 5 राज्य में चुनाव हुए थे, बाद में कहीं मोदी जी ये ना कहते हैं कि देखो विपक्ष आया नहीं, आस्था नहीं है उनकी, और कहीं गेम उल्टा पलटा कर दें, ये भी तो हो सकता है भाई। उल्टा पलटा तो वे बिल्कुल करेंगे उल्टा पलटा, उनको पता, देखो मीडिया उनके हाथ में है, सब कुछ उनके हाथ में है, मीडिया में अब वो प्रोपोगेंडा चलाएंगे कि ये देखो विपक्ष पहले भी राम का विरोध कर रहा था और आज भी राम का उद्घाटन हो रहा है तो विपक्ष नहीं आया। इनको तो खेल खेलना आता है, इनको तो पता है विपक्ष की कमर कैसे तोड़नी है, विपक्ष का वो कैसे करना। अब आपको ये पता, विपक्ष ने जैसे ही अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा, इन्होंने इंडिया नाम ही हटा दिया, देखा होगा आपने, तो गठबंधन से इनको इतनी ज़्यादा दिक्कत है, इनके पेट में दर्द हो रखा है, आपको पता होगा। देखो एक तो देश में महंगाई, माताएं बहनों का क्या हाल है वो भी आपको पता, हमारे किसान भाइयों का क्या हाल है वो भी सबको पता है, सब कुछ बेच दिया, देश में छोड़ा ही क्या है भैया। देश की जनता को हवाई जहाज में यात्रा करने के सपने दिखाए थे, वो हवाई जहाज का नाम लेके हवाई जहाज ही बेच दिया, अब बताओ अब कहाँ जाएंगे देश की जनता।